हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बेसिक एग्जांपल। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के टाइप एग्जांपल की बात करें तो दो हम लोग यूज़ करते हैं पुली, द वेज, आप जैसे तो डायग्राम में स्क्रू, लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इस तरह हम देख सकते हैं कि जैसे कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दिस आर द बेसिक कन्वर्जन। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, तो आप बताओगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अदर एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो ब्रेकिंग अ वॉल, ब्रेकिंग बॉल, तो ये हम देख सकते हो किस तरह से ये एग्जांपल हमारा शो कर रहा है। तो इससे मैकेनिकल एनर्जी एग्जांपल, इसमें ब्रेकिंग वॉल इज़ ए लार्ज राउंड स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज फॉर डिमोलिशंस ऑफ बिल्डिंग्स व्हेन द वॉल इज हेल्ड एट द हाइट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज योर हैमर वर्क, आप देख रहे हो किस तरह से ये वर्क हो रहा है। दिस इज योर हैमर वर्क, ये हमारे क्या एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी का। हैमर से हम लोग किस वर्क करते हैं किस पर्टिकुलर एरिया पर। डार्ट गन, आप देख सकते हो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें किस तरह से एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ये इसमें समझाया गया। विंड मिल, विंड मिल मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल दोस्तों। विंड मिल हमारे एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एनर्जी जो होती है सप्लाइड होती है एट आवर होम्स। तो किस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है आप देख सकते हो इसमें मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल्स। बॉलिंग बॉल, आप देख रहे हो गेंद किस तरह से मूव कर रही है और किस तरह से अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में, हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में आप देख सकते हो किस तरह से मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लूड फ्लो कर रहे हैं और किस तरह से वो जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूशन हो रहा है, किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट इज पे एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू द वर्क। मैक किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग वर्क में यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, दैट इज योर साइकिलिंग। साइकिलिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग किस तरह से पैडल मार रहे हैं और साइकिल किस तरह मूव कर रही है। पर्सन राइडिंग अ बाइसाइकिल प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूटिलाइज बाय द साइक्लिस्ट टू वर्क ऑन द पैडल्स ऑफ द बाइसाइकिल अप्लाइंग द सम फोर्स एंड इंपेलिंग द बाइसाइकल्स मूव्स फॉरवर्ड। मून, किस तरह से रोटेशन होता है मून का, अर्थ और मून का रोटेशन आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हमारा एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड गैजेट्स होते हैं, जैसे कि वैक्यूम, इसमें वैक्यूम क्लीनर, ब्लेंडर्स, वॉशिंग मशीन, फैंस, एयर एसी, दीज आर द इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। बो एंड एरो, जिस तरह से आप देख सकते हो एग्जाम्पल बो एंड एरो का। तो दोस्तों, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो कि हम लोग डिस्कस किए, और इससे हम समझ सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी हमारी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और हमने इसको एग्जाम्पल सहित समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।